हेलो हेलो, जैसे कि मैं कोलकाता में थी तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर दक्षिणेश्वर टेम्पल, जो कि कोलकाता में बहुत ही फेमस है। तो मैं जहाँ विज़िट कर रही थी वो था मोमिनपुर। तो मोमिनपुर से डायरेक्ट ना कोई बस था ना कोई मेट्रो, तो बाय बस हम मोमिनपुर से जतिन दास पार्क आए हैं। देन यहाँ से हम डायरेक्ट मेट्रो जाएंगे। मेट्रो स्टेशन दक्षिणेश्वर ही है तो यहाँ से ईजी रह जाएगा। तो यहाँ से हमने फर्स्टली टोकन लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टोकन ले लिया है। तो हम मेट्रो में बैठ चुके हैं। मेट्रो बहुत ही इजी वे है कहीं भी जाने का। तो कोलकाता में मेट्रो जल्दी से हर जगह शुरू हो जाए, मैं यही होप करूँगी। एंड हम दक्षिणेश्वर स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ पे एग्ज़िट का कोई मेनली ऑप्शन नहीं है, जैसे गेट नंबर 1 और 2, यहाँ पे एक ही एग्ज़िट है जहाँ से हमने एग्ज़िट किया है। ये हम है, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए थे जैसे कि मैंने बताया, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्वियसली सभी कंफ्यूज हुए होंगे, जो यहाँ रहते होंगे वो तो नहीं होंगे मुझे पता है। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक टनल टाइप बना हुआ है जहाँ से हमें बाय टनल जाना है। एंड जहाँ हम एग्ज़िट करेंगे जो एंड होगा हमारा वो दक्षिणेश्वर टेम्पल ही है। तो ये हम एग्ज़िट कर चुके हैं, ये मंदिर आ चुका है सामने। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, प्लीज़ यहाँ विज़िट करें। बहुत ही प्यारा लगा हमें तो, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आके पता चला कि मंदिर अभी बंद है, क्योंकि मंदिर की जो टाइमिंग है वो 6 बजे सुबह से लेकर 12:30 बजे तक है। एंड देन 3 बजे ओपन होता है दोबारा, एंड 8:30 बजे तक है। तो हम 1 या 2 बजे के अराउंड गए हुए थे, तो अभी तो मंदिर बंद हमें मिला। तो फिर मंदिर में ही एक छोटा सा घाट बना हुआ है, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। मैं छोटा सा मंदिर के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, घाट बहुत बड़ा है। तो फिर हमने सोचा कि हम तब तक क्यों ना घाट में स्नान कर लें, पूजा वगैरह कर लें, जो भी कर रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ पे शू कलेक्ट करवाया एंड देन हम घाट की तरफ जा रहे हैं। दक्षिणेश्वर मेनली काली और राधे कृष्णा जी के लिए लोकेट है, बट यहाँ पे शिव जी के भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पे भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं जब गई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। एक दिन में तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब मैं गई थी तो ना कोई वीकेंड था, मैं वीकडेज़ में ही गई थी। तो अभी हम घाट पर पहुँच चुके हैं एंड घाट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो स्नान कर चुके हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मंदिर अभी क्लोज़ है। मंदिर ओपन होगा 3 बजे, तो तब तक हम स्नान कर लेते हैं। तो ये घाट है, और ये जो आपको घर दिख रहा है, घर टाइप ये रूम जो बना हुआ है, ये जो है ये चेंजिंग रूम टाइप बना हुआ है, जो स्नान कर लेते हैं, जैसे औरतों के लिए है ये। यहाँ पे चेंजिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हम घाट पे पहुँच चुके हैं। जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनको तो पता होगा कि 3 बजे मंदिर दोबारा रीओपन होता है। तो शायद अभी भीड़ नहीं है, बट स्नान के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो मैं नीचे जाके दिखा देती हूँ, बहुत बड़ा घाट है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा है।
ये मैं और मेरी दी की बड़ी बेटी है, जो कि हम वेट कर रहे हैं, हम स्नान नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप लोग हमें पापी बोल सकते हैं। हमें ना पता नहीं था मेनली कि यहाँ पे कोई स्नान का भी कुछ है, तो हम लोग ऐसे कपड़े वगैरह लेके नहीं आए थे एक्स्ट्रा। तो ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, आप हमें कपड़ों की रखवाली करने वाले बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनकी चीज़ों की रखवाली कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मंदिर के पास ही इन्होंने छोटे छोटे शॉप्स बना रखे हैं मंदिर के पास, जहाँ से आप मंदिर से रिलेटेड चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, भगवान की मूर्तियाँ, प्रसाद वगैरह। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं। यहाँ पे आप एक छोटा सा होटल टाइप भी बना हुआ है, जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं, रेस्टोरेंट टाइप। तो यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करें अगर आप मंदिर आ रहे हैं तो। बता देती हूँ, मंदिर में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, ना कैमरा अलाउड है अगर आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो। तो अंदर का मैं शूट नहीं कर पाई, बाकी बाहर का मैं शूट कर पाई हूँ, जितना कर पाई हूँ मैंने उतना आपको दिखा दिया है। तो यहाँ से बाहर जाते ही आपको छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप नॉर्मली पूड़ी सब्ज़ी, छोले भटूरे ये सब खा सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। जैसे कि पता है कोलकाता बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम एग्ज़िट हो चुके हैं, अभी 3 बजने में टाइम है, बट लाइन आपको दिख रही होगी, वो एंट्री से बिल्कुल आपको आगे छोटे छोटे लोग दिख रहे होंगे, ये पूरी लाइन लगी हुई है। तो मंदिर के आगे का मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो वीडियो यहीं तक रहेगी। तो थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, एंड मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर किया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।